हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ई श्रम कार्ड के न्यू अपडेट के बारे में। ई श्रम कार्ड का न्यू अपडेट आ चुका है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि ई श्रम कार्ड को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट थे, टेक्स्ट ईयर पर आप गलती से ई श्रम कार्ड बनवा चुके हैं, तो उसको कैसे डिलीट करेंगे ये देखेंगे हम इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। इस समय हम लोग ई श्रम कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन देगा रजिस्टर ऑन ई श्रम, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, मेन्यू में एक ऑप्शन देगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाए, तो यहाँ पे पहले ऑप्शन पे आप क्लिक कर लीजिएगा अपडेट प्रोफाइल। अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, तो मोबाइल नंबर वही आपको फिल करना है जो आप इस श्रम कार्ड बनवाते समय आपने दिया था। तो यहाँ पे आप इसको मोबाइल नंबर फिल कर लीजिएगा, कैप्चा फिल कर लीजिए। कैप्चा फिल करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे हम ओटीपी फिल कर सकते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपसे यहाँ पे आपका आधार नंबर पूछा जा रहा है, यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल कर लीजिएगा। आधार नंबर फिल करने के बाद ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपसे कैप्चा पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप कैप्चा फिल कर लीजिएगा। कैप्चा फिल करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एक बार और आपसे ओटीपी मांगेगा, तो यहाँ पे आप ओटीपी फिल कर लीजिएगा। यहाँ ओटीपी करने के बाद यहाँ वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो आपको पर्सनल डिटेल आपका शो कर देगा। जैसे ही आप नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे हम सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज शो करेगा, आई डू नॉट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ ई श्रम, मतलब मैं ई श्रम का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। इसके बाद जैसे ही आप अपडेट ई केवाईसी इन्फॉर्मेशन क्लिक करते हैं, तो ये आपका एक रिक्वेस्ट आ जाएगा, जहाँ पे आपको 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद आपका ई श्रम कार्ड डिलीट हो जाएगा।